हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्जुन। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही जाने पहचाने सब्जी, जिसका नाम है मुनगा। इंग्लिश में मोरिंगा भी बोलते हैं इसको। मैं आधा किलो मुनगा इस तरह से पीस कर लिया हूँ, छिलका उतार के। और एक ठो मीडियम साइज़ का आलू मीडियम पीस कर लिया हूँ। थोड़ा सा नमक लिया हूँ, थोड़ा सा हल्दी और एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता और दो चम्मच सरसों, थोड़ा सा अदरक लहसुन और एक टमाटर लिया हूँ, चार पांच कच्ची मिर्ची। सरसों, कच्ची मिर्ची और अदरक लहसुन, ये चारों को मैंने एक पेस्ट बना लूँगा। इस तरह से पेस्ट बना लिया हूँ मैं। टमाटर को भी पेस्ट को बना लिया हूँ। कढ़ाई गरम हो चुका है, फिर दो से तीन चम्मच तेल लिया हूँ मैंने और गरम तेल में थोड़ा सा सरसों डाला। सरसों डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाला, अब मैंने तेल में डाल दूंगा सरसों का पेस्ट। थोड़ा सा पानी मिलाऊंगा, दो चम्मच पानी, और मसाला को अच्छा से फ्राई कर लूंगा। हल्का फ्राई हो चुका है मसाला, अभी देखिए बढ़िया से फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल दूंगा टमाटो का पेस्ट। थोड़ा सा नमक डाल दूंगा, नमक आप स्वाद अनुसार से डालिए। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगा और एक चम्मच जीरा पाउडर, और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। फिर से बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम में मसाला को अच्छा से फ्राई कर लेना है। तीन से चार मिनट फ्राई करने से ही मसाला फ्राई हो जाता है। ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, मसाला से तेल छोड़ने लग गया। अभी इसमें आलू डाल देंगे और आलू का साथ साथ मुनगा भी डाल देंगे और बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सब्जी नीचे लगे मत और जले मत। पांच मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अभी मुनगा में बहुत विटामिन पाया जाता है, फाइबर बहुत पाया जाता है मुनगा सब्जी में। कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम पाया जाता है, फैट बहुत ही कम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। मुनगा एक बहुत ही अच्छा सब्जी है। पाँच मिनट हो चुका है,
अब इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे और बढ़िया से एक बार मिक्स कर देंगे। दस से 12 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 10 से 12 मिनट हो चुका है, ये देखिए मुनगा सब्जी लगभग बन के रेडी है, ग्रेवी भी मस्त गाढ़ा हो चुका है। टोटल हमने 20 मिनट तक ढक के पकाए, 18 से 20 मिनट, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया हमने। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। अब भी बना के खाइए।